बड़े साहब, सबसे बड़े साहब ये आपके सामने खड़े रहे, आपके पूरे बड़े में से छोटे के एमएलए हो गए, प्रोटोकॉल है मेरे सामने। वही नहीं करते, मैं करता हूँ कॉल। मेरे को कोई तकलीफ है तो मैं करता हूँ आपको कॉल। मैं हूँ यहाँ का, मैं आपको हम जिम्मेदार है, हम बोलते बोले रहे वो। अच्छा, और मैंने ट्रैफिक अहदेदारों से बात की। ट्रैफिक अहदेदारों का ये कहना था कि यहाँ पे कंप्लेन है, वो कंप्लेन की बुनियाद पे ये कर रहे हैं। तो मैंने भी उनको ये रिक्वेस्ट की कि ये कांग्रेस हुकूमत है और कांग्रेस हुकूमत की ही हॉकर पॉलिसी है, जहाँ पर अगर कोई भी फुटपाथ पे गरीब बंडी वाला कोई कारोबार करता है तो यही पॉलिसी है कि उसको दूसरी जगह पे उसके कारोबार लगाते हुए फिर उसको निकाला जाए। और यहाँ पे हमने तफसीली दौरा किया, जो वाकई जो गैर कानूनी तौर पर हाल हाल में आए हैं, मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों को कहा है कि इनको हटा सकते हैं, जो मूवेबल है, जो आए हैं, और जो दूसरे जो सालों से यहाँ कारोबार है और जिसका घर यहाँ के कारोबार से चलता है, उनको हदबंदी कर दी गई और उनको एक लिमिटेड एरिया में उनको कारोबार करने के लिए कहा। और यहाँ पे नीलोफर हॉस्पिटल का एक बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, और ट्रैफिक के प्रॉब्लम को भी हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब के साथ मिलते हुए, यहाँ के मुकामी CI साहब से मिलते हुए, जो पेशेंट्स पार्किंग है वो नीलोफर हॉस्पिटल में ओपन कराने के लिए कहा। और एक जगह हमने देखी है, मगर वहाँ पे ज़्यादा गंदगी और झाड़ उगने की वजह से कल वहाँ पे JCP लगाकर वहाँ पे साफ सफाई की जाएगी, और फिर यहाँ पे CI साहब की निगरानी में वहाँ पे पेशेंट पार्किंग का स्टार्ट किया जाएगा, ताकि इस रोड पे और ट्रैफिक कंजेशन ना हो। मेरी आपसे आपके जरिए से ये भी दरख्वास्त है, बेशक हम आपके कारोबार के साथ बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहरी हुई है, मगर हमें भी ट्रैफिक कंजेशन को नज़र में रखते हुए अपनी हदबंदी को पहचानना होगा, और पूरी रोड हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, जिससे कई हज़ारों लोग जो उस रोड से आते हैं उनको तकलीफ हो। तो हमारी यही अदबन गुजारिश है कि बेशक आपका कारोबार अहमियत का है, आपका घर चलना भी अहमियत का है, मगर उससे हज़ारों के लोगों की को तकलीफ का बायस हम नहीं बन सकते। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ट्रैफिक पुलिस और तमाम महकमा आवाम की खिदमत के लिए है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए है, और ये चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम आवाम के लिए और जो बेहतरी होगी वो करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ट्रैफिक CI साहब का, जिन्होंने पूरा मेरे साथ मुआयना किया, और आगे भी अगर कुछ ऐसे रहेंगे तो हम कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।